नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना एंड सरकारी नौकरी पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मतलब जो देना बैंक और विजया बैंक जो मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बारे में आज बात करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, इसके संबंध में मैंने हमारे इस चैनल पर 4-5 वीडियो बनाई है। सो फ्रेंड्स, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो विजया बैंक का चेकबुक है और जो देना बैंक का चेकबुक है, क्या वह अब नहीं चलेगा, क्या उसका इस्तेमाल हम बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स अभी भी कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं कमेंट को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताऊंगा कि जो देना बैंक का चेकबुक है और विजया बैंक के चेकबुक है, जो पुराना चेकबुक है, अब काम करेगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका देना बैंक में पहले अकाउंट था या फिर विजया बैंक में, तो फ्रेंड्स अब वो अकाउंट नहीं रहा, अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज होने के बाद आपका अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है और आपका IFSC कोड भी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जब आपका IFSC कोड और अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है, तो फ्रेंड्स वो आपके पास जो पुराना चेकबुक है उसमें पुराना ही अकाउंट नंबर है और पुराना ही IFSC कोड है, तो फ्रेंड्स वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है वो पुराना है, इसलिए वो काम नहीं करेगा, सिंपल है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको नया चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा, नए चेकबुक से काम चलाना होगा। नया चेकबुक मिलने के बाद ही आपका काम होगा, जो पुराना चेकबुक है वो अब काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा जानकारी था जिसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी भी उस वीडियो पर कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट मर्ज हो चुका है, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा में चेकबुक लेना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेकबुक लेना चाहते हो, सिंपली आप व्हाट्सएप बैंकिंग से चेकबुक को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप बैंकिंग कैसे चलाते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग क्या है और इससे चेकबुक कैसे, तो फ्रेंड्स इसके संबंध में बहुत सी जल्दी वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।